अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर निमरा हियर फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स, और आज मैं आपके साथ एक और केस डिस्कशन करूंगी। सो ये दिस यंग बॉय केम टू अस जस्ट अ डे बिफोर हिज वेडिंग। वो शादी से एक दिन पहले हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि मेरी स्माइल को आप इम्प्रूव कर दें ताकि मेरी जब शादी की पिक्चर्स या वीडियोज़ में मेरी स्माइल अच्छी आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आइडियल इनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था, और क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था तो हमने क्या ट्रीटमेंट इनका किया। तो सबसे पहले मैं आपको इनके सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इनके जो दांत हैं वो अलाइंड नहीं है, आप देख सकते हैं टेढ़े मेढ़े हैं। ये दांत इनका छोटा सा है। ये छोटा सा क्यों है? क्योंकि ये दूध का दांत है। सो ये जो बचपन में दांत गिर जाना चाहिए था वो नहीं गिरा है। वो क्यों नहीं गिरा है? क्योंकि इनके असल इस साइड वाला दांत वो गिर गया, इस साइड वाला नहीं गिरा है। और वो ये वाला क्यों नहीं गिरा है? क्योंकि इनके जो लैटरल इंसाइजर्स हैं वो वैसे ही मिसिंग है। तो इनके जेनेटिकली इनके दो दांत हैं ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे स्पेस है और ये वाला जो दूध का दांत है वो रह गया, गिरा ही नहीं है। अब आइडियली इनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि हम लोग इनके दांतों को अलाइन करें, इनके दांतों को थोड़ा सा फ्लेयर करके एक्सपैंड करें, और यहाँ पे जो दो दांत मिसिंग है उनकी जगह बनाएं। यहाँ उसके अलाइनमेंट के बाद, तो अलाइनमेंट का प्रोसेस तकरीबन 6 to 8 months का होगा। 8 months में ये अलाइनर्स पहनेंगे, इनके दांतों की अलाइनमेंट होगी और दो जो दांत इनके मिसिंग है उनकी स्पेस हम अलाइनर्स के थ्रू खोलेंगे। जब वो स्पेस खुल जाएगी हम उन दो स्पेसेस में इम्प्लांट्स लगाएं। इम्प्लांट्स के बाद वो जो दो दांत मिसिंग है वो उनके रिप्लेस हो जाएंगे। सो आइडियल ट्रीटमेंट तो ये है। इस प्रोसेस को तकरीबन वुड से 8 months to 1 year मैक्स लग सकता था, क्योंकि पेशेंट चाह रहा था कि मेरा सिंगल अपॉइंटमेंट में कोई आप ऐसा काम करें, कोई क्विक फिक्स करें ताकि मेरी स्माइल नेक्स्ट डे मेरी पिक्चर्स में, मेरे शादी वाले दिन अच्छी लगे। हमने क्या ट्रीटमेंट किया वो मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाती हूँ। इट्स नॉट, लेट मी, वो दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, इट्स नॉट आइडियल ट्रीटमेंट। आइडियल ट्रीटमेंट जो हम चाह रहे थे, प्लान करना चाह रहे थे, उसमें टाइम लगना था, वो मैंने आपको बता दिया है। सो दिस इज़ अ क्विक फिक्स वी डिड के पेशेंट का। इट्स टेम्प्रेरी बट इट्स ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि ये अभी तक कोई मस्ता नहीं करता है, ये लॉन्ग टर्म भी चल जाता है। बट इट्स अ क्विक फिक्स बिकॉज इट्स नॉट आइडियल। आइडियल ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया था कि अलाइनमेंट हो, जो दो दांत उनके मिसिंग है उनकी जगह इम्प्लांट लगे, वो एक आइडियल ट्रीटमेंट था। Because the patient did not have time, we did a quick fix और this is the result. तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इनका जो दूध का दांत था वो छोटा सा था, हमने उसको बिल्ड किया विद बॉन्डिंग, हमने उस दांत का प्रॉपर बिल्डअप किया, उसको शेप दिया एक परमानेंट लैटरल इंसाइजर की। यहाँ पे उनके एक स्पेस थी, उस स्पेस को भी हमने बॉन्डिंग के थ्रू फिक्स किया। तो हमने चार दांतों पर बॉन्डिंग करके एक उनकी स्पेसेस बंद कर दिए, उनके दांतों को शेप बेहतर दे दिया ताकि वो जब बोलें, बात करें या स्माइल करें या पिक्चर्स क्लिक करें, उनकी दांतों में एक वो काला हॉलो स्पेस ना नज़र आए, ना ही वो, क्योंकि पिछली पिक्चर में आप देख सकते थे कि वो हॉलो स्पेसेस थी और अलाइनमेंट नहीं थी। तो थोड़ा सा इससे अलाइनमेंट बेहतर हो गया है स्लाइटली, और वो हॉलो स्पेसेस बंद हो गया है। सो दिस इज कॉम्पोजिट बॉन्डिंग दैट वी डिड। ये प्रोसीजर तकरीबन इट टुक अराउंड 30 minutes, और पेशेंट की सबसे पहले तो हमने क्लीनिंग की, फिर टीथ वाइटनिंग की, क्योंकि पेशेंट को एक वाइट ब्राइट वाइट स्माइल चाहिए थी। क्लीनिंग और टीथ वाइटनिंग से उनके दांतों का शेड बदला, फिर बॉन्डिंग के थ्रू हमने स्पेसेस बंद की और शेप बेहतर की उसके दांतों की। सो एज यू कैन सी नाउ, ये दांत को हमने बिल्ड करके एक नेचुरल टूथ की, जो परमानेंट टूथ है उसकी शेप दे के इसको बिल्ड किया है। इन दो दांतों को भी हमने बॉन्ड किया है ताकि ये जो थोड़े से इनकी शेप आप देख सकते हैं थोड़ी इलॉन्गेटेड सी लग रही है, वी हैव गिवन इट बल्क सो इट लुक्स नाइस, और इस स्पेस को भी हमने बॉन्डिंग के थ्रू कवर कर दिया है। सो द पेशेंट वाज रियली हैप्पी बिकॉज ही उनको एक क्विक फिक्स मिल गया, वो अपनी शादी की पिक्चर्स में कॉन्फिडेंटली स्माइल कर सके। वी टोल्ड हिम टू कम बैक कि हम के वापस आएँ, अपना आइडियल ट्रीटमेंट जो है वो ये उतरवा के, जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो करवाएँ। दिस ट्रीटमेंट अगर ये इस वैसे इस ट्रीटमेंट का टेक केयर करें तो ये आराम से आपके 5 to 8 साल निकाल सकता है। इट्स अ क्विक फिक्स बट इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म एज वेल, बट आइडियल नहीं है। आइडियल अगर यही होता कि अगर तो वो अपने दांतों की अलाइनमेंट कराते, यहाँ पे दो इम्प्लांट्स लगवाते, वो लॉन्ग टर्म एटलीस्ट आपका फॉर लाइफ वो यू वर सॉर्टेड, द पेशेंट वॉज सॉर्टेड। तो ये था आज का केस। थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड एंड यू वांट टू इम्प्रूव योर स्माइल, इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप एटलीस्ट 6 to 8 months पहले अपने डेंटिस्ट को विजिट कर लें, ताकि जो आइडियल सिचुएशन है डेंटिस्ट आपको बता सके कि जितना टाइम लगना है आपकी स्माइल को इम्प्रूव करने में वो हो सके। क्योंकि कुछ केसेस में अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, वो दैट प्रोसेस टेक्स अराउंड 6 to 8 months।
हाँ, अगर आप शादी से पहले खाली एक सिंपल प्रोसीजर लाइक टीथ वाइटनिंग करवा लें, उससे भी आपकी स्माइल काफ़ी इंप्रूव हो जाती है. लेकिन डिपेंड करता है हर पेशेंट टू पेशेंट. अगर आपका कोई सिवियर केस है, यू नीड टू विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट 6 to 8 months बिफोर योर वेडिंग. क्विक फिक्सेज आर पॉसिबल लाइक वी डिड इन दिस केस, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन एवरी केस. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट यू टू प्लान योर स्माइल वे बिफोर द डे ऑफ योर वेडिंग. मतलब आप एटलीस्ट 6 to 8 months दें, हम आपके डेंटिस्ट के पास जाएँ और डिस्कस करें कि क्या ऑप्शन है आपके स्माइल को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपके वेडिंग डे पे आपकी जो स्माइल है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.